रही और मैं हूँ आज यहाँ अमरोहा में और मेरे साथ हैं नेताजी शौकत अली साहब। आइए इनसे बात करते हैं। नेताजी बहुत बहुत खैर मकदम में स्वागत है आपका। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो सेल्फी सरनेम पर जो गजट में जो प्रक्रिया अपनाई गई वो अमरोहा से और आपकी मेहनतें उस पर काफ़ी लगी हैं। उनसे कई लोगों ने इस चीज़ के बारे में जिक्र भी किया है, मास्टर ऋषि सेल्फी साहब हैं और भी कई हैं, छतन वाला साहब हैं, तो आपके क्या अस्पताल सुधार सकते हैं मुझे चीज़ें हैं जी। 13 मार्च 1997 को हम लोग अदील रहमान सैफी जो यहाँ सैफी संगठन के अध्यक्ष थे, जब मैं संयोजक कमिश्नरी हूँ, तो उनके अकबर हुसैन जो मंत्री थे उनके यहाँ उनकी बेटी की शादी थी जलालपुर बिडारी में, वहाँ मायावती आ गई। मायावती जब आई तो हमने प्रोग्राम रखा 6 अप्रैल सैफी डे मनाने का 1997 में जी मुरादाबाद। जब मुरादाबाद ने उनसे टाइम लिया तो उन्होंने कहा मैं आऊँगी। इतफाक से 19 मार्च को मुख्यमंत्री बन जाती है, तो जब मुख्यमंत्री बन गई तो 6 अप्रैल को मुरादाबाद कंपनी बाग में हमने सेफ्टी बनाया। उसमें उन्होंने गजट किया, सेफिंग प्रकार को 10,00,000 रुपये दिए और अमरोहा को जिला घोषित किया और आरा मशीनों के लिए 3 हॉर्स पावर का पूरी यूपी के लिए एक्सम किया, जो उस पर टी एस गोंडा प्रबंध जो पर्यावरण थे उनकी वजह सुप्रीम कोर्ट से पाबंदी लगी हुई थी, समझे। तो सेक्शन 1 को उन्होंने अमेंडमेंट करके आरा मशीन की सेक्शन 1 उसे अमेंडमेंट करके 3 हॉर्स पावर तक का वो थे। तो यानी ये 1997 यानी अमरोहा बाद में पहले मुरादाबाद था, पहले मुरादाबाद बाद में अमरोहा जिला भी घोषित 6 अप्रैल 1997 में हुआ अमरोहा और सैफी गजट भी 1997 में हुआ, जो मतलब लोहार बड़ी दोनों सैफी गजट में है जो हम सैफी कराते हैं। उत्तर प्रदेश में ही अभी गजट हैं, समझे, गजट नोटिफिकेशन भी मेरे पास है सब कुछ, तो और कहीं किसी सूबे में सैफी गजट नहीं। तो अभी आप आज 2021 में सैफी समाज प्रवेश कर चुका है, क्या पैगाम देना चाहते हैं नौजवानों को, किस चीज़ पर जोर दिया जाए? हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो है, देखिए कुरीतियों से जितनी भी कुरीति हैं उनसे दूर रहो और एजुकेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और सबसे पहले लड़कों के बजाय भी लड़कियों को एजुकेशन दें ताकि आगे आने वाली नस्ल जो है हमारी शिक्षित हो और फिर जो है वो समाज आगे तरक्की। क्या आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में 2022 का चुनाव आने वाला है उसमें किस तरह रुख है, मतलब अमरोहा का या उत्तर प्रदेश का? हम सैफी, मेरा अपना मानना है कि सैफी किसी एक, हालांकि इससे पहले हमने 9/7 को लड़ाया, महबूब के खिलाफ लड़ाया, वहाँ से अनीसुर रहमान MLA बने कांट से, अली सबसे पहले अलीगढ़ से मोहम्मद खालिद MLA बने, तो लेकिन हमारा मेन मामला ये है कि हम पूरी कौम ऐसा नहीं मुस्लिमों से कहीं कट कर जाएँ। इतफाक ये है हमारे यहाँ एक बड़ी कमी रही है अमरोहा खासतौर से, इसमें पूरे इंडिया की बात करता हूँ मैं, तो जितने पठान शेख या सैयद दूसरे कौम हैं वो जितनी भी माइनॉरिटी कौम वो हैं, चाहे वो मंसूरी हो, चाहे वो मलिक हो, चाहे वो सैफी हो, चाहे अंसारी हो, इन सबको जो है बाइकाट कर वो अपने को चाहती हैं, समझा। तो जब तक ये एक नहीं होंगे उसमें ही हमारा भी वो है, हम उनके साथ मिलकर सब लोगों के साथ मिलकर और कोई सी भी पार्टी हो, हम जब मतलब जैसे फारूक सैफी हैं रिश्तेदार हैं गढ़ौला से, वो आरक्षण लड़ चुके, जिला पंचायत का मेंबर भी रहे, उनका भी टिकट दिलवाया समाजवादी से। अब क्या रूप है? अब रूप ये है अभी जो है देखिए BJP को हराना मेन मकसद तो ये है। वजह ये है कि BJP ने खास तौर से पूरे हिंदुस्तान में जो है जो मुस्लिमों में मुस्लिमों को दरकिनारा करके और जो यहाँ ऐसे काम बहुत से करे हैं जिससे बहुत आगे नुकसान हो रहा है। आप क्या लगता है, समाजवादी पार्टी है BSP? नहीं, समाजवादी का ही, समाजवादी का। हाँ, बसपा का जो है उनका रोल अच्छा नहीं रहा, बहन मायावती का जो है सबसे पहले तो हम उसी के साथ जाना चाहिए भैया और बताऊँ जो, क्योंकि मुस्लिमों में सबसे मेन वो है अगर जाटक जो है जितना कोऑपरेट करता है किसी दूसरी कौम नहीं करता। लेकिन यादव का भी बहुत बड़ा वो है, क्या यादवों का यादव BJP में चला जाता है लेकिन जाटक इतना नहीं जाता परसेंटेज। तो आप क्या 2022 में लगता है समाजवादी पार्टी आगे तो मजबूरी में है, सारी जो और कौमे हैं जितनी भी हैं जो BJP के खिलाफ हैं जितनी, चाहे उसमें काश्तकार भी है, वो समाजवादी की तरफ है बहुत बहुत।
देख कर भी सच्चाई यहाँ से। अभी आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटी कमीशन से आपकी बिरादरी के अशफाक सैफी को बनाया गया है, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, अशफाक सैफी आगरा से है वो। हाँ मुझे मालूम है जी, अच्छी तरह से जानता हूँ, अमृतसर के रहने वाले हैं जी। लेकिन मुझे मालूम है कि माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन ने अध्यक्ष बनाया है, लेकिन मंत्री का दर्जा प्राप्त है, उससे वो कौन क्या उनसे मांग करिए ब्रेड के अलावा वो क्या देना चाहते हैं माइनॉरिटी में, सैफियों को क्या देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप नॉर्थ के मामले में सबसे आगे हैं, उसका किसी चीज़ का मुद्दा देना चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं एजुकेशन में, तो वो तो उनसे बात करके मांग आप। हाँ तो वो देखिए उनसे डिमांड की जाएगी भाई, उन्होंने खाली अगर चेहरा बनाने के लिए किया है बीजेपी ने, अगर ये चेहरा दिखाने के लिए किया है कि सैफियों को जो है हम जो है भाजपा की तरफ मोड़ें, तो उसके लिए तो हम तैयार हैं। उनका व्यक्तिगत कोई आप व्यक्तिगत सैफी होने के नाते उनका समर्थन करते हैं? नहीं, अशफाक सैफी का, अशफाक सैफी का व्यक्तिगत समर्थन करता हूँ, लेकिन अगर कौम के लिए मुबारकबाद देते हैं उनको। हाँ मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन एक चीज़ वो सैफियों के लिए क्या करते हैं कौम उनके पास जिम्मेदारी पूरा है। नहीं वो है, लेकिन अभी कई ऐसे मसले हुए हैं आपके, ऐसा ढापू का ही किया उसका गाजियाबाद का एक सैफियों का आया, वो छपारा है ऐसे मामले नीचिंग के बहुत हो रहे हैं हमारे साथ, हमारे नहीं सारे मुस्लिमों के साथ हो रहे हैं, तो उनमें क्या कोऑपरेट कर रहे हैं, वो कहाँ मदद कर रहे हैं? जब तक तुम हम किसी की मदद नहीं करेंगे हमारे साथ कैसे खड़े होंगे लोग? आप पहले काम दिखाओ, पहले उसमें ज़मीनी हकीकत पर कुछ काम दिखाइए सैफियों के लिए, तब हम आपके साथ हैं। व्यक्तिगत हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर कहाँ वोटों का या उसका आता है तो अगर व्यक्तिगत आपको फ़ायदा पहुँच गया तो हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शौकत सैफी नेताजी जो कि अमरोहा से, उन्होंने खुले अंदाज में अपनी बात बेबाक अंदाज में कही कि राजनीतिक अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से माहौल होता जा रहा है वो समाजवादी पार्टी की तरफ यहाँ का उत्तर प्रदेश का बनता जा रहा है। ये तो अब आगे 2022 का इलेक्शन ही बताएगा कि वो किस तरह बैठेगा। मैं अमरोहा से इरफान रही कुतुब मिल के लिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।